गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़िया कर रहे होंगे। सो गाइस, टुडे इज दैट डे जिसके लिए हम लोग बहुत बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। आई होप आप लोग ये देख के समझ ही गए होंगे। दिस इज़ माय सोल जर्सी फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। मेरे पास सोल की जर्सी मुझे मिली एंड इससे पहले तो जितने भी टूर्नामेंट हुए थे, लैंड टूर्नामेंट एंड एवरीथिंग, तब हमारे पास नहीं थी, मेरे पास नहीं थी एंड आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, बट इसके पीछे मांबा लिखा हुआ है। सो या, इट्स माय सोल जर्सी एंड आई एम अ सोल फैन एज वेल। तो मेरे लिए ये आई गेस मेरे लिए इस वजह से आई है। तो गाइस, आज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे है। सो द थिंग इज़ कि आई एम लिटरली वेरी वेरी स्केर्ड आज, क्योंकि मतलब आज फाइनल डे है टूर्नामेंट का, फाइनल्स का। एंड हर दिन जितना भी टूर्नामेंट का डे था पिछला फाइनल्स का, इतना क्लोज कॉल चल रहा है सारी टीम्स के बीच में। ऑल दो सोल के पास फिर भी एक थोड़ी सी हेल्दी लीड है, बट फिर भी टीम्स इतनी ज़बरदस्त तरीके से कम बैक एंड एवरीथिंग कर रही हैं, जिसकी वजह से वी कैन नॉट से राइट नाउ कि जो है कैसा क्या होने वाला है, रिज़ल्ट क्या आने वाला है। बट या, वी आर स्टिल कॉन्फिडेंट एंड हम लोगों को पता है कि हमारे लड़कों ने क्या तैयारी करी है एंड एवरीथिंग, किस मेहनत से वो लोग उतर रहे हैं आज। सो आई डोंट नो, जब तक ये व्लॉग जाएगा तब तक तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि हु इज़ द विनर। लेकिन आज 3:30 बज रहा है अभी एंड आई एम रेडी। हेवन में आज हम लोगों का प्लान है, मतलब हर रोज़ ही हम लोग देखते थे, तो मैं, थग, मर्सी एंड जितने भी लड़के होंगे हम सब लोग जो है आज देख रहे होंगे मैचेस। एंड आई जस्ट होप कि आज सब कुछ अच्छा जाए। इतना मेहनत और इतना सब कुछ के बाद मैं नहीं चाहता कि आज कुछ गलत हो जाए। बस फिंगर्स क्रॉस, आप लोग की दुआ है आई नो। एंड हम लोगों ने भी बहुत प्रे किया है, मेहनत किया है इन लड़कों ने, ओमेगा, अक्षत, गॉबलिन, हेक्टर ने, तो मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन लेट्स सी, लेट्स गो डाउन स्टेयर्स और चलते हैं एंड देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है एंड आज के मैचेस किस तरीके से जाते हैं। एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि अगर सोल जीत गई तो आज यहाँ पे क्या होने वाला है। आई विल शो यू एवरीथिंग। लेकिन अभी चलते हैं नीचे हेवन में एंड लेट्स स्टार्ट द डे। सो गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर इंसान की अपनी पर्सनालिटी, स्टाइल और प्रेफरेंस होता है, तो मी परफ्यूम जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था, और इस बार मी डिओड्रेंट है, व्हाट इट डज इज़ कि वो आपके स्किन के ऑयल्स जो कि हर पर्सन के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उसके साथ मिक्स करके एक डिफरेंट तरीके का फ्रेग्रेंस जनरेट करता है। सो इसलिए ये इसको बहुत ही ज़्यादा अलग और यूनिक बनाता है। सो गाइज, ये एक यूनिसेक्स डिओड्रेंट है एंड अगर आप इसको जब भी अप्लाई करोगे, इट लास्ट फॉर लाइक अप्रॉक्सीमेटली 8 hours एंड बहुत ही अमेजिंग है ये, बहुत ही ज़्यादा। सो गाइज, इसको अभी हम लोग अपने ऊपर ट्राई करते हैं एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अभी मैं शूट से एक आया हूँ तो बहुत ज़्यादा स्किन ऑयली हो रही है भाई, बहुत अमेजिंग है। इधर आदि, हाथ ला, आदि पे भी ट्राई करेंगे गाइज हम लोग। रेडी आदि? सुन, पता नहीं कितनी मैल आ गई लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। द थिंग इज़ कि ये हर किसी के स्किन के साथ एक बहुत ही अलग तरीके की सेंट जनरेट करता है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। यू डोंट नीड टू बाय 100 डिफरेंट परफ्यूम एंड डिओड्रेंट फॉर योर सेल्फ। सो गाइज, मी डिओड्रेंट के साथ एक बहुत ही यूनिक फ्रेग्रेंस आती है हर एक यूज़र के साथ। ये बॉडी ऑडर को बहुत ही बढ़िया तरीके से कंट्रोल करता है। इट इज़ वेरी जेंटल ऑन द स्किन। 800 स्प्रेज आते हैं एक बॉटल में, 100% वीगन है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये मेड सेफ सर्टिफाइड है एंड द डिओड्रेंट लास्ट ऑन यू फॉर लाइक 8 hours अप्रॉक्सीमेटली। सो गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसिटी है इन योर लाइफ, क्योंकि आपको पता है कि हु डज नॉट वॉन्ट कि जब भी वो कहीं बाहर जाए तो दैट पर्सन कैरीज अ वेरी गुड ऑर्डर विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सो गाइज, आप ये जाके ले सकते हो मामाअर्थ की एप्लीकेशन और वेबसाइट से। Mamba2022 इज़ द कोड। जब भी आप वहाँ पर इन दोनों जगहों से बाय करोगे कोई भी सामान, तो जाके आप Mamba2022 कोड यूज़ करना। एक्सक्लूसिव 20% ऑफ मिलेगा। ऑल्सो दिस इज अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, अमेजोन और नाइका। लेकिन अगर आपको 20% एक्सक्लूसिव ऑफ चाहिए तो आपको मामाअर्थ की एप्लीकेशन और वेबसाइट पे ही मिलेगा। सो जाओ एंड मेक दिस प्रोडक्ट फॉर योरसेल्फ 20% ऑफ के साथ। गाइस, विंस ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है यहां पे एंड मोमेंट तक भरी हम लोग। हां, और थोड़ी सी जाओ ड्रेस कोड में आओ जल्दी से। अरे ड्रेस कोड होना है आज ड्रेस कोड होना है। अभी कितना, 3 matches है ना? नहीं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अरे गुड लक है ये मीरामार स्टार्ट होने वाला है, तो अभी बस फिंगर्स क्रॉस मीरामार सेकंड लास्ट मैच, बूम निकल जाए ये मैच, मजा आ जाएगा।
सील द डील हो गया पहले दूसरे तीसरे पायदान के बीच में जो अंकों का फासला है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को पहले और दूसरे में दिख जरूर रहा था, बट देखना पड़ेगा लास्ट गेम के अराउंड दूसरे और तीसरे के बीच में जो फासला है उसको किस तरीके से बदला जा सकता है। एनिग्मा के प्लेयर्स इस पूरी फाइट में मजे लेने की कोशिश करते हुए वो अक्षत को डाउन करेंगे, हेक्टर को फिनिश किया जाएगा, अक्षत को फिनिश किया जाएगा। सोल के प्लेयर्स देखते ही देखते बहुत सारी मुश्किलों में, बट सेंस से बैक एंगल पर बचे, बट स्टिल फाइट लेफ्ट इन गोब्लिन। हम पहली बार इस कमरे में आके बैठा है लास्ट मैच फील लेने के लिए कमरे का इंटेंसिटी कैसा होता है, वरना हम घुसता नहीं है, समझ रहे। 15 लाइन ये भी अगर चिकन निकल गया ना चैट पागल हो जाएगी। भाई बस 2 करोड़ का नेट है, अगर ये थ्रो किया तो किक कर दूंगा बैंड खाता है। और आज ये जो हुआ उसकी खुशी हम लोग कितने ज्यादा टाइम से मिस करते चले आ रहे थे, इसका एहसास मुझे इस वक्त हुआ। ये खुशी जो मैं इन लोगों के चेहरों पे देख रहा था, ये देखने के बाद ना ही मैं खुश हो पा रहा था और ना ही मैं रो पा रहा था। और मैं बस यही सोच रहा था कि हमारे साथ साथ जितने भी सारे लोग अक्रॉस द ग्लोब सोल के फैंस हैं वो लोग किस खुशी के साथ गुजर रहे होंगे आज, और हम लोग कितना मिस आउट कर रहे हैं कि हम लोग भी काश उन सभी लोगों के साथ हो पाते जिन्होंने इस मौके का इंतज़ार इतने लंबे टाइम से करते चले आ रहे थे। इन 4 लड़कों का जाना, मेहनत करना और वहाँ पे जाके इतना अच्छा परफॉर्म करना और लास्ट मैच में मॉर्टल और वाइपर का जाना,
और वहां पे जाके चिकन डिनर निकालना, ये सब ऊपर वाले ने लिखा हुआ था। आप लोगों की दुआओं की वजह से ये सब हम लोगों को हासिल हुआ आज। मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर स्टैंडिंग बाय अस ऑल दीज हार्ड टाइम्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मैंने अपनी लाइफ में पहली बार अपने लिए चैंट सुना, एंड आई वॉज सुपर इमोशनल कि मैंने भी कुछ हासिल करा। बींग अ कॉन्टेंट क्रिएटर इज नॉट ईजी, एंड कभी आपको ये सब नहीं मिल पाता, ये चैंट्स एंड ऑल, बट एक गेमिंग कॉन्टेंट क्रिएटर हो के मैंने अपने लिए पहली बार ये चीज़ हासिल किया, एंड मैं आई वॉज लेफ्ट आउट ऑफ वर्ड्स। आई कैन नॉट से, आई कैन नॉट डिस्क्राइब कि मुझे कैसा लग रहा था इस वक्त जब मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग यू गाइस हैव गिवन टू अस, एंड भले ही हम लोगों के यहाँ यहाँ पे ई-स्पोर्ट्स की टीम हो, चाहे हम कंटेंट क्रिएटर्स हो, चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, बट आई विल प्रॉमिस दिस टू यू ऑल, एंड हम लोग ये प्रॉमिस करते हैं कि चाहे हम लोगों के हक में डिसीजन रहे, हम लोगों के लिए अच्छी चीज़ें हों चाहे बुरी चीज़ें हों, हम लोग अपनी तरफ से कभी मेहनत नहीं छोड़ेंगे। वी विल ट्राई आर बेस्ट to give you all whatever you need in the field of entertainment and e-sports. Bas aap log hamare sath aise hi bane rehna, and ye safar aise hi hamesha chalta rahega. And is vlog ko jaate jaate zarur like karna, if you are new on the channel zarur pyar dene ke liye subscribe karna, it is the only means of you jis tarike se aap mere ko pyar de sakte hain. To thank you so much for all the love and support, keep giving that love, and I'll surely stand up to your expectation every day जब तक ये जर्नी चल रही है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर गाइस।